पहले मुझे लाइक 20 मिले थे कॉपी में, अभी 31 मिले हैं। अच्छी बात है, ऐसा ही करो ताकि बोर्ड में और अच्छे आए। अभी तो काफी टाइम है बोर्ड के लिए। और एक चीज मैं आपको और बोल देता हूं, स्कूल के मार्क्स जो है टीचर को, स्कूल के टीचर भी ऐसा एक्स्ट्रा मार्क्स को भी टीचर के मिलते हैं, यहाँ से आपके मार्क्स कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो गलतियां होंगी ना उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ के मार्क्स से मतलब इतना नहीं होता, अच्छा होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम और अच्छा, नेक्स्ट टाइम और अच्छा, ऐसा करके वो आपको सुधार करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर अगर कम मिलता है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं कम मिलता तो कोई बात नहीं, कम मिलता है तो इतना माइंड करने का नहीं है कि मेरे मार्क्स तो स्कूल में बहुत अच्छे मिले हैं, यहाँ पर कम क्यों मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको वो जो गलतियां हैं छोटी छोटी गलतियों के मार्क्स कटते हैं, ताकि आप वो भी अपना सुधार करो और लास्ट की बोर्ड में आप पहुंच इसके लिए, ठीक है? जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं मेरी मैम ने तो बात करके कम नंबर काटे या काटे नहीं, तो ये गलत है। आपका लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो, मान लो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में यदि आपके स्पेलिंग मिस्टेक है और आपके मार्क्स नहीं कटे, ऐसा ही है, गलत। क्यों गलत है? क्योंकि आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज में अगर आपको मान लो हिंदी है, हिंदी में आपको मात्रा का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर आपका लैंग्वेज पढ़ने का मतलब क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है आपका, उसमें आपको स्पेलिंग की मिस्टेक मतलब उसको ही रॉन्ग है, तो आप क्या पढ़ रहे हैं? तो इस तरह से लैंग्वेज में नंबर कभी भी आपको पता होगा कि कभी भी लैंग्वेज में आपको मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन अभी क्या होता है, अभी अगर बच्चे का आंसर करेक्ट है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, उसने अगर लिखने का उसका तरीका सब सही है, तो अगर एक तो मात्रा की गलत हो जाती तो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो पहले क्या होता था, अगर एक मात्रा गलत है या एक स्पेलिंग में मिस्टेक है, मार्क्स कट देते थे। लेकिन ये क्या होता, अभी तो आपके वो सारे नंबर कट जाते हैं, ठीक है? तो अच्छी बात है, स्कूल में अच्छे हैं। ये मत सोचो कि मैंने अच्छा नंबर बताया तो मैम ने मुझे डिमोटिवेट कर दिया। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, सिर्फ इसको बता रही हूँ कि अभी आपके नंबर अगर कम भी आए, स्कूल में अच्छे आए हैं और अच्छे ही आए, स्कूल में और अच्छे आए, लेकिन यहाँ का जो आप टेस्ट देते हो, इंडिया टेस्ट की नहीं, या उसमें कम नंबर पता चला नहीं, तो अगर कम होंगे, मैं नहीं, मुझे नहीं पता कम है ज्यादा है क्या है, तो यदि कम रहेंगे, मैं पहले से बता रही हूँ क्योंकि जिन बच्चों के टेस्ट हुए हैं उनके मार्क्स कम रह रहे हैं, उनको एक दो बच्चों ने बोला स्कूल में तो मेरे अच्छे मिलते हैं, यहाँ हम क्यों मिलते हैं? तो यहाँ पर वही होता है कि छोटी छोटी गलतियों को बच्चों को सामने लाने के लिए सारे नंबर काटे जाते हैं, ठीक है? ताकि बेटा आप लोगों का यहाँ का नंबर कम भी आएगा तो चलेगा, लेकिन आपका बोर्ड का यहाँ पढ़ाने का क्या है, मेन एम है आपका बोर्ड अच्छा कराना, ठीक है? तो ये बाकी अच्छे हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आपको लग रहा है अच्छा है, 31 बहुत अच्छे हैं अभी के हिसाब से, लेकिन अभी यही आपका वो होने लगे, आप प्री बोर्ड में आपके 31 आएंगे तो वो तो नहीं अच्छा है, है ना? तो उस समय में आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अच्छा है। आपने वो पेपर दिखाया था, पेपर लाने को मना दिखाया, मार्क्स कहाँ है आपको पता गया ना? हाँ, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ लिखने। अभी क्या था, मतलब इसको भी आपको टाइम देना पड़ेगा, स्टोरी आपके दिमाग में सब भरी है, मैं वही बोलती हूँ कि आपके दिमाग में सारी स्टोरी भरी है, सारे आंसर लर्न है आप, लेकिन आप लिखने के टाइम सारी गलतियां कर देते हैं, वही आपके नंबर चले जाते हैं। आपके दिमाग में क्या है, टीचर को नहीं चेक करेगा, वो तो वही पेज पर जो लिखा है आपने आंसर शीट पर वो चेक करेगा, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, यानी आपको टाइम देना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, आपको मतलब मम्मी भी खुश है कि आपके मार्क्स बढ़ रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, तो अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, आपका बोर्ड काफी अच्छा हो जाएगा। यहाँ मतलब दूसरे स्कूल में जब अभी आप उसमें थे, नाइन्थ में, इसी में थे नाइन्थ में ना, लास्ट कितना आया था फाइनल एग्जाम में? ज्यादा
और ऑनलाइन में कौन सा सब्जेक्ट कोई एमसीक्यू है या सब्जेक्ट है ईमानदारी से दिया था या चीटिंग किया था थोड़ा बहुत ईमानदारी ईमानदारी से कितने आए थे नहीं यार 30 या 35 कितने में फिर भी है बेटा देखो जहाँ खुद से आप आपको खुद को लगेगा हाँ मुझे अच्छा करना है तो आप अच्छा ही करो। चलो आज हम लोग साना साना हाथ जोड़ी करने वाले थे, मुझे मेरी बुक नहीं मिली तो मैं आपकी बुक से ही पढ़ाऊँ। बाकी कुछ तो इनकम्प्लीट तो नहीं था कि कंप्लीट करके नया चैप्टर करेंगे ऐसा कुछ तो नहीं था। इसका मतलब बताइए, स्कूल में शुरू है ना शायद, क्या मतलब बताओ इसका, मतलब सिर्फ इसका मतलब बताओ, साना साना हाथ जोड़ी का हाथ जोड़ी का मतलब हाथ जोड़ना। हाँ साना साना छोटे छोटे साना साना हाथ जोड़ मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़। आज डेट क्या है, सारे सब्जेक्ट के बताएंगे? हाँ सब सब्जेक्ट सब में सही है। हाँ मैथ्स और साइंस में फुल, इंग्लिश में 3 मार्क्स है, सोशल हिंदी के बराबर है, तो टोटल 90% अच्छा कर। और अभी का तो अगर 80-90% आपके इसमें आ रहे हैं तो आगे और अच्छा ही रहेगा। चलिए साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी का मतलब कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर। यहाँ पर क्या बताया गया, लेखिका जो है वो घूमने गई हुई है और घूमने जाती है तो वहां का दृश्य कैसा है वो यहाँ पर उन्होंने बताया है। यहाँ पर कई ऐसी चीजें बताई है जो कि उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान मुझे एक जैसा लगता है। ठीक है, हिंदुस्तान एक जैसा कैसे लगता है कि जैसा अपने यहाँ किसी भी धर्म को रिलेट किया जाता है, धर्म को रिलेट मतलब जैसे कहते हैं ना गंगा में स्नान करो तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, इसी तरह से वहां पर एक धर्म को बिल है, बिल चक्र, बिल चक्र, हाँ बिल चक्र, बिल चक्र तो एक ही है, प्रेयर बिल, हाँ प्रेयर बिल, तो जिसको जिसकी क्या मान्यता है कि उसको घुमा दो तो सारे पाप कट जाते हैं, ऐसा वहां पर है। वो देखकर लेखिका को क्या लगता है कि हिंदुस्तान में हर जगह पर कहीं ना कहीं चीज से कोई ना कोई चीज रिलेट करती ही है। ठीक है, मेन तो है कि जब लेखिका घूमने गई हुई है वहां पर उन्होंने वहां की साफ सफाई देखी, गंगटोक की देखी, गाइड से उसको हर चीज से बताता है कि यहाँ पर ऐसा है वैसा है, वहां की क्लाइमेट, वहां का वातावरण, वहां के लोगों को देखकर, वहां के लोगों के मेहनत को देखकर लेखिका जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाती है और उसी चीज को उन्होंने अपने इस पार्ट में लिखा है। लेखिका कौन है, मधु कांकरिया। ठीक है, साना साना हाथ जोड़। अब वो अपनी वही चीजों को बता रही है अपने तरीके से। मैंने हैरान होकर देखा, मैंने कौन, लेखिका, लेखिका, लेखिका है ना, मधु कांकरिया है, उन्होंने लिखा कि मैंने हैरान होकर देखा आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और तारे सारे सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे। उन्होंने क्या देखा कि पहाड़ी पर देखने पर क्या लगता है कि वो लाइट से दिखती है ना, तो लाइट दिखने पर क्या उनको लग रहा था कि जैसे सारे तारे उल्टे पड़े हुए है ना, लाइट आप नीचे से जब नहीं तारों का लाइट नहीं लाइट बिजली, हाँ लाइट वो जो जल रही थी ना उसको जलता हुआ देखकर उनको लग रहा था जैसे तारे नीचे की तरफ गिरे हुए हैं। पहाड़ी की लाइट आप देखते हो तो क्या लगता है, तारे जैसे ही दिखते हैं ना, एक तो छोटे छोटे दिखते हैं और वो लगता है जैसे आसमान से ही वो लाइट आ रहे हैं यानी तारे वो चमक रहे हैं। तो उसी के लिए लेखिका ने कहा मैंने हैरान होकर देखा आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे, नीचे मतलब वहां पर सारे फैल गए हैं, लाइट दूर दूर जल रही है और वो ऐसा लग रहा है जैसे वो तारे बिखर कर चारों तरफ जल रहे हैं। तारे में रोशनी होती है ना और लाइट में भी रोशनी होती है, तो वही कहा है कि जैसे वो चारों तरफ बिखर कर जल रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। दूर ढलान लेती तराई पर
सितारों के इच्छे रोशनियां रोशनियों की एक झालर से बना रहे थे। रोशनी की झालर, झालर मतलब क्या होता है पता है आपको, जब लाइट को एक साथ वायर में पिरोते हैं तो झालर बनती है ना, पिरोना मतलब समझ रहे हो। अरे बेटा ये दीपावली में लोग लगाते हैं ना, तो उसी को तो झालर बोलते हैं, लाइट की झालर। ठीक है, तो वही है कि झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था, मतलब वो शहर था गैंगटॉक जो शहर था, वहां की जो लाइट थी, लाइट रात के समय में जो लाइट। अभी याद हो रात में यहाँ मुंबई में ही निकलो और पहाड़ी पर कहीं देखो, पहाड़ी साइड में आप जाओगे तो वहां पर जो लाइट ऐसी जलती रहती है अंधेरे में, वो लाइट दिखती है तो लगता है जैसे तारे ही वहां चमक रहे हैं। गए होगे रात के टाइम में कभी, तो वैसे ही वहां पर लेखिका को गैंगटॉक का वो शहर लग रहा था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर, संधि मतलब जोड़ पर, इतिहास मतलब पहले का समय और अभी के समय, वर्तमान मतलब प्रेजेंट ना, तो इतिहास जो पहले का समय और जो अभी प्रेजेंट टाइम में है के संधि स्थल, संधि मतलब उसके दोनों के जोड़ का समय पर खड़ा मेहनत कशबाद का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था सुबह शाम। वहां पर क्या था? मेहनत कश मतलब मेहनत करने वालों का ये जो शहर था वो बादशाहों का कैसा लग रहा था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम और दोपहर सब सुंदर ही दिख रहा था। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात उसमें सम्मोहन जगा रही थी। सितारों भरी रात मतलब जो सितारे चमक रहे थे वो लेखिका को अपनी तरफ इम्प्रेस्ड कर रहे थे, मतलब उसको देखकर लेखिका प्रभावित हो रही थी। तो वही है यहाँ पर सम्मोहन, सम्मोहन का मतलब समझते हैं, हिप्नोटाइज का मतलब समझते हैं, तो किसी को अपनी तरफ खींचना, तो लेखिका ने आकर्षित, यस, तो वही ना कि वो लेखिका को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, सम्मोहित कर रहे थे, तो सम्मोहन जगा रही थी कुछ इस तरह की। उन दूर भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था, मैं मेरी चेतना मेरा आसपास मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता। अतीन्द्रियता मतलब इंद्रियों से परे, जो इंद्रियों को समझ में ना आए, परे मतलब जो समझ में ना आए, जैसे ये तुम्हारे समझ के परे है, परे मतलब तुम्हारे समझ के बाहर है ना, तो इंद्रियों से परे मतलब वो इंद्रियों को समझ में नहीं आ रहा। इंद्रियों में डूबी रोशनी की वह जादुई झलक, यहाँ तक समझ आया बेटा? आगे देखिए, मैं आपकी बुक ले रही हूँ तो थोड़ा सा आपको मिली नहीं, पता नहीं की बुक्स में कहाँ मोस्टली तो है या फिर आप देखते हो। धीरे धीरे उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ गर्दुहु प्रार्थना। गर्दुहु प्रार्थना मतलब क्या है कि हाथ जोड़कर वो सुबह एकदम सुबह सुबह जो प्रार्थना थी उसको उन्होंने गर्दुहु प्रार्थना, हाम्रो जीवन तिम्रो कौसी, उसमें क्या था कि हाम्रो जीवन और तुम्हारा, यहाँ पर है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित, इसका था कि तिम्रो कौसी मतलब मेरा सारा जीवन समर्पित हो, तुम्हारी अच्छाई जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ठीक है, प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सामने आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। ये जो थी ये कहाँ की का था, ये नेपाल की जो युवती, युवती मतलब लेडी है ना, उससे इन्होंने ये सीखा हुआ था। वहां के लोग वो ये वही की नेपाल की भाषा है ना, तो उन्होंने वहीं से वो सीखा था। वहां के लोग सुबह मॉर्निंग में जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो लेखिका ने उनसे ये सीख लिया। सुबह हमें रोकथाम के लिए निकल पड़ना था पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। इनको कहाँ निकलना था? रोकथाम के लिए निकलना था, लेकिन जब सुबह होगी तो कहाँ बालकनी की तरफ भागी क्यों? क्योंकि वहां का दृश्य इनको अच्छा लगा और उसको देखने के लिए बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचन जंगल दिखाई देती है। कंचन जंगल क्या है? हाँ, सबसे कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना, को बोलते हैं ना कंचनजंगा। हाँ, तो दिखाई दे रही हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा, तीसरी सबसे बड़ी चोटी
पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। यहाँ पर है कपाट का मतलब क्या होता है बेटा? कपाट मतलब दरवाजा, गेट, डोर। हाँ, तो इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद रहे। ठाकुर जी के कपाट यानी कि किसको बोला गया? भगवान को बोला जाता है। ठाकुर जी किसको? भगवान को। यदि आपको पता हो तो हिंदू धर्म में होता है ना, एक चारों धाम होते हैं, तीर्थ यात्रा, चारों धाम की तीर्थ यात्रा। पता है, नहीं सुना है कि नहीं? तो नहीं। हिंदू धर्म में ब्राह्मण में होता है, तो धर्म में कोई भी करता है शायद, कि उनमें क्या होता है, चार धाम यात्रा होती है जिसमें चारों दिशाओं के यात्रा करते हैं उसमें। तो नॉर्थ में अपना ये बद्री केदारनाथ है, तो उसके कपाट वहां पर क्या होता है, मई मंथ में वो पांच या छह से ऐसे कुछ में भी वो खुलता है डोर, और फिर थोड़े समय के बाद वो बंद हो जाता है, दो तीन महीने के बाद बंद हो जाता है। तो वो कपाट वही कहा गया कि जैसे उनके कपाट नहीं खुलते हैं, बंद रहते हैं, उसी तरह से इनका बादलों का भी कपाट बंद था। कंचनजंगा ना दिखने की ना दिखी, मतलब बादल थे तो इनको वो कंचनजंगा छोटी जो थी वो इनको दिखाई नहीं पड़ी, पर सामने ही रकम रकम के, रकम रकम मतलब तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गए। वो छोटी तो नहीं दिखाई दी, लेकिन पास में ही उनको रंग बिरंगे ऐसे मतलब फूल दिखाई दिए कि लगा जैसे फूलों के बाग में खड़ी है। वह हाल गैंगटोक से 100 कितना है, ये 149 कितना होता है? इसके बाद क्या आता है? 50 आता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 48, 49, 50 है ना। 48 को 48, फिर 49 को 49, फिर 50 को 50, ठीक है। तो 139, ठीक है, 139 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की अंतिम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन मालदार ने मुझे बता रहा था। अभी क्या था, कहीं जब आप अजनबी जगह ऐसी जगह पर जाते हो तो आपको एक गाइड की जरूरत पड़ती है। गाइड मतलब जो कि आपको गाइड करे कहाँ क्या है, कहाँ पर क्या देखने की चीज है। वो जब आप ऐसी ऐतिहासिक जगह मतलब जगह पर जाओगे या फिर कहीं बहुत जगह पर्यटन स्थल है जहाँ पर गाइड रहते हैं, और आपको वहाँ की हर चीज से जो वहाँ जानने वाली चीज है उससे आपको अवेयर कराने के बारे में आपको बताते। तो इस तरह से इनको कौन मिला था? ड्राइवर मिला था जिसका नाम क्या था? जितेन। वो क्या था? ड्राइवर कम गाइड था, मतलब वो ड्राइवर था भी था और गाइड भी था, जो कि इनको सब कुछ बता रहा था। क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। मैं कौन? लेखिका ने ड्राइवर से पूछा कि क्या वहां हमें बर्फ मिलेगी, कहाँ पर? हिमालय पर, जब ये वहां पर ड्रॉप जाने वाली है वहां के लिए। चलिए तो, ड्राइवर ने बोला, चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए, अब ये वहां की बेटा वहां का पेड़ होगा क्योंकि हम लोग हर जगह नहीं पाया जाता, कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जो कि उसी प्लेस पर पाए जाते हैं। हर पौधे कुछ तो हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि उसी क्लाइमेट के होते हैं और वहीं पर पाए जाते हैं। तो उस तरह से यहाँ पर जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते थे हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ते रहे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताका। बौद्ध पताका मतलब क्या होता है? पताका मतलब बताओ, बौद्ध तो धर्म है, पताका क्या? पताका मतलब होता है बेटा वो झंडा, ठीक है। पताका का मतलब होता है झंडा। झंडा का मतलब कि जो हम पहचान के लिए या किसी चीज को दर्शाना चाहते हैं तो उसके माध्यम से हम वो लगाते हैं। जैसे खुशी मनाते हैं तो उसमें भी लोग तिरंगे झंडे का ऐसा छोटी छोटी पन्नियां कट कट करके लगाते हैं ना,
है, कभी नहीं देखा है वो बेटा। अभी तो इतना नहीं होता है, या फिर कभी कभी होता है, छोटा मोटा कुछ फंक्शन होता था पहले के समय में, तो लोग क्या करते थे ऐसा वो बनता था। हाँ ट्रायंगल ही बनता है, ट्रायंगल में वो बनता था ना ऐसा करके, आपने देखा होगा बेटा, लेकिन उसको ऐसा लटकाते थे ऐसा करके, है ना, ऐसा ना, ऐसा सीधी लाइन में ऐसा होता है ना, जो बंदा बना ले ऐसा ऐसा करके लगाते थे ना किसी चीज को, कोई कुछ ही बनाते थे इस समय में, ऐसा तो डेकोरेशन के लिए होता था, बहुत ज्यादा होता था। तो बहुत पटाखे लहरा रहे हैं, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति, ध्वज मतलब झंडा है ना, तो लहराती शांति और अहिंसा की प्रति, शांति और अहिंसा का मतलब तो आपको पता है, और अहिंसा प्रति ये पताका है जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नारी ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता थी, उन्होंने क्या बताया कि वहां पर बुद्ध, नेपाल में किसको माना जाता है, कौन जाता है वहां पर, नेपाल में बुद्ध की स्थापना बुद्ध ने वहीं पर की थी, वहां पर ज्यादातर आपको बौद्ध मिलते हैं और वहां पर उन्हीं को माना जाता है, उन्हीं की पूजा होती है। तो मान्यता है जब भी पवित्र स्थान पर 108 सुई, मान्यता है जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की, मतलब कोई बौद्ध बुद्धिस्ट होता था, आपको पता है बौद्ध धर्म मानने वाले, तो इस तरह से जब किसी की मृत्यु होती थी तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं, श्वेत मतलब सफेद पताका है, शांति का प्रतीक है ना, तो उसको लगा दिया जाता था, फहरा दी जाती है, नहीं इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है, मतलब उनको उतारते नहीं, वो लगा देते हैं फिर उसको उतारते नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप नष्ट होना, मतलब धूप लगेगी पानी होगा ऐसा ऐसा करके अपने आप से वो खत्म हो जाती है, नष्ट होता है। कई बार किसी नए कार्य को, नए कार्य की शुरुआत में ये पताकाएं लगा दी जाती है पर वे रंगीन होती है, मतलब शांति का प्रतीक तो आपका वाइट है, लेकिन कोई खुशी का काम होता है उस समय रंगीन कलर को लगाते हैं, जो जिस कलर का चाहता है। नागिन बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीभ पे लगी, दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई। लेखिका क्या बताती है कि नागे सारी मुझे सारा चीज बता रहा था और मेरी नजर कहाँ लगी थी कि दलाई लामा को जानते होगे ना, हाँ, तो दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी। बेटा जहां पर जिस चीज को माना जाता है वहां के लोग उसको मानना, मतलब आप जिस भी धर्म को मानते हो, ठीक है, अभी मान लो आप शिरडी गए हो कि नहीं गई, तो जब आप यहाँ से जाने लगते हो, बाय रोड जाते हो, तो जाने लगो तो रास्ते में जितने भी ढाबे होटल मतलब दुकानें सब पर ओम साई साई बाबा राम पता नहीं ऐसे, मतलब साई साई करके होता है, तो इसी तरह से वहां पर जितनी भी मूर्ति मतलब दुकानें थी, जितना भी कुछ ऐसा था, वहां पर दलाई लामा की पिक्चरें लगी हुई थी उसके बारे में। ऐसे ही आप जहां पर भी देखो, जिस भी जगह पर वो, तो मैंने यहाँ का बताया कि आपके पास में अगर आप रहोगे या फिर किसी भी तीर्थ स्थल पर आप जाओ, तो वहां के आसपास का जितना भी होता है सब उसी के नाम से वो जाना जाता है। तस्वीर देखी पिछकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। पिछकोले मतलब कोई कुछ खाने की चीज है, क्या जा रहा है, जीप जा रही है पिछकोले खाते हुए, ओ मीन्स ऐसे, हाँ जीप कुछ खा नहीं रही, पिछकोले खा रही, यानी ऊपर नीचे हो रही है, वो रोड जो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे होकर वो जा रही है, उसको पिछकोले बता दिया। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, जितेन मतलब जो गाइड था, हाँ ड्राइवर वो था, वो बताने लगा इस जगह का नाम है कभी लोग, कभी है ना, कभी लोग स्टॉप, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म देखी है आपने, बहुत पुरानी है, देवानंद की है, तो उसकी शूटिंग हुई थी तिब्बत के से चीज के खेल गमसन ने
लेप जाओ के सोमेन से कुंजते के साथ, ये बेटा वहां का शब्द है, नेपाली शब्द है, जो कि अपने लोग जैसे चाइनीज लोग का नाम कुछ अलग टाइप का होता है, तो ऐसे नेपाल का शब्द है, मतलब नेपाली शब्द है। तो सोमेन से कुंजते के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए, एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और कुटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद, यहाँ पर क्या है, ये दो जाति है कौन कौन सी, लेप्चा और कुटिया, सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों, स्थानीय मतलब वहां के लोग जो है, वहां की जातियों के बीच चले सुदीर्घ, सुदीर्घ मतलब लंबी लंबे झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल, मतलब बहुत समय उन्होंने आपस में लड़ाई हुई, उसके बाद जब उनकी शांति हुई तो यहाँ से वो स्थान शुरू होता है। यहाँ तक क्लियर ना? हाँ। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र, अभी यहाँ पर लेखिका क्या बताती है कि उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया, कुटी मतलब मतलब झोपड़ी होती है ना, तो झोपड़ी को कुटी भी बोलते हैं, जो कि किससे बना होता है, घास से बना, उसके ऊपर का आपने रामायण देखा, लॉकडाउन में क्या किया, ये राम को वनवास हुआ था ना, तो वो चित्रकूट गए थे, तो वहां पर वो झोपड़ी बनाकर रहते थे, तो झोपड़ी कैसे बनती है, वो घास से बनती, नीचे का तो जहां पर ऐसा था जंगल था तो पूरा ही घास का बना था, नहीं तो लोग क्या करते हैं आजकल तो डेकोरेट करने के लिए, मतलब लोग ऐसा अच्छा लगता है वो कि बगल पर खिड़की का बनाते हैं और ऊपर तो से उसको घास से ऐसा उसका जो फीलिंग होता है अच्छा लगता है, उसको घास से बनाते अच्छा होता ना, अच्छा बनाती तो पानी नहीं टपकता ऐसा कि पानी टपकता उससे, तो इस तरह से वो था। यह क्या, नारगी कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र प्रेरक भी, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते, आत्मा एक जैसी, लोगों की आस्थाएं विश्वास अंधविश्वास पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। लेखिका ने क्या कहा कि मैंने कुछ तो मिस किया, हाँ लेखिका ने क्या कहा, मैडम यह धर्म चक्र प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक खाने वाला कहता धुल जाते हैं, क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद, मतलब लेखिका ने क्या कहा इतना ज्यादा हमारा साइंस डेवलप कर गया है, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों, प्रगति मतलब डेवलप ना, इतना डेवलप होने के बाद भी, बावजूद मतलब उसके बाद भी, इस देश की आत्मा एक जैसी, मतलब क्या है पूरे देश की आत्मा एक जैसी है, इतना साइंस डेवलप किया उसके बाद भी पूरे देश की आत्मा एक जैसी, लोगों की आस्थाएं विश्वास अंधविश्वास पाप होने की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी, मतलब इतना सब होने के बाद भी चाहे वो नॉर्थ के हो साउथ के हो कहीं के भी हो, सबके अंदर वो अवधारणा वो विश्वास अभी भी बना हुआ है, ऐसा लेखिका सोचती है। ठीक है, रखता रखता हम ऊंचाई, रखता रखता का मतलब क्या है कि धीरे धीरे, एक गाना था ना रखता रखता, पहले का है गाना छोड़ो गाना, रखता रखता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, बाजार लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अभी क्या लेखिका बता रही है, रखता रखता मतलब धीरे धीरे हम लोग ऊंचाई की तरफ, अभी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये कहा था नेपाल से गंगटोक जाना है तो ऊंचाई पर जा रहे हैं और धीरे धीरे बस्तियां पीछे छूटने लगे। हम अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी फरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर। आपको पता है कि वहां पर ठंडी होती है, नेपाल में ठंडी होती है ना, तो वहां पर ये लोग जब ऊंचाई पर जा रहे थे तो वो लोग लेडीज जो थी वहां की होती वो स्वेटर बना रही, स्वेटर बुना जाता है वहां पर, तो वो स्वेटर बुन रही थी और पीठ पर भारी भरकम कार्टून होते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। मतलब ये लोग जो नेपाली थे वो धीरे धीरे ओझल हो रहे थे, मतलब वो पीछे छूट रहे थे, वो दिखाई ओझल होना मतलब दिखाई ना देना, तो वो लोग पीछे छूट रहे थे और हमारी जीत जो थी वो आगे जा रही थी, ऐसा लेखिका बता रही। यहाँ पर बेटा एक शब्द है बहादुर, बहादुर मतलब नेपाली लोग जो होते हैं ना बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उनको बहादुर भी बोला जाता है।
यदि आपने देखा होगा तो ये जो नेपाली लोग होते हैं ये दूसरे जगह पर जा जाकर काम करते हैं, क्यों? क्योंकि नेपाल के पैसे कम होते हैं ना, तो बाहर आते हैं और यहाँ से वो कमा कर वहां जाते हैं, तो वहां पर अपना के लिए भी वो ज्यादा हो जाता है, यहाँ का रुक गया वहां पर के लिए, वहां क्या चलता है। तो लेकिन यहाँ के रुपए से वहां का उनका पैसा कम होता है, इससे जो है वो यहाँ आकर जाते हैं। अब पीछे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। ताश मतलब वो प्लेइंग कार्ड होता है ना, हाँ, तो बच्चे वो खेल बना खिला घर ऐसा बनाते ना, उससे प्लेइंग कार्ड से बनाते ना, तो वही उल्लेखिका ने लिखा है कि अभी क्या लग रहा है कि जैसे ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। क्यों? जब आप हाइट पर जाते हो तो पीछे का जो चाहे इंसान हो चाहे घर हो वो छोटे छोटे दिखने लगते हैं, तो लेखिका ने कहा वैसा वो दिख रहा है। हिमालय में हम छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप में वैभव के साथ सामने आने वाला था। यहाँ ये लोग पहुंचने वाले थे, हिमालय के पास पहुंचने वाले थे, तो जो वो पहले छोटा दिख रहा था अभी वो क्या विराट रूप, विराट मतलब बड़े रूप में दिख रहा था। न जाने कितने दर्शकों यात्रियों और तीर्थाटनियों को काम में हिमालय पल पल परिवर्तित हिमालय काम काम में हिमालय पल पल परिवर्तित। यहाँ पर क्या है कि न जाने कितने दर्शकों यात्रियों और तीर्थाटन, दर्शकों मतलब देखने वाले यात्रियों मतलब जो यात्रा कर रहे थे, और तीर्थाटन मतलब जो तीर्थ यात्रा पर निकले थे, उन लोगों को ये क्या कर रहे थे काम हिमालय पल पल परिवर्तित हिमालय, मतलब ये जो हिमालय है ये इंसान को पल पल अपने दृश्य परिवर्तित को दिखा रहा था, मतलब जितने पास को उतना उसका विराट को दिख रहा था। और देखते देखते रास्ते वीरान सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होते होने लगे। अभी बेटा जब आप पहाड़ी पर कभी गए हो क्या, पहाड़ पर जब जाते हैं तो कैसा रास्ता कैसा वहां घुमावदार ना, उसको सर्पाकार भी बोलते हैं, वो ऐसा राउंड राउंड में होता है और उसके रास्ते पतले हो जाते हैं। मैं आपको बार बार शिरडी का ही एग्जाम्पल दूंगी, जब आप वहां से जाते हो सतारा की रोड से, तो वहां की रोड थोड़ा पतली हो जाती है, वैसे तो काफी चौड़ा बन गया है, लेकिन फिर भी आप दूसरा कहीं हिमालय पर जब जाओगे, कहीं पर्वतीय स्थल पर जाओ, हिमालय तो बहुत ऊपर हो गया, कहीं भी पर्वतीय स्थान पर जाओ पहाड़ी एरिया पे, तो जो पहाड़ी का रास्ता होता है ना बहुत पतला होता है और वो गिरने जैसा डर लगता है, किधर जाएंगे तो गिर ना जाए, है ना, क्योंकि उसका आपने सेकेंड में आपने हिंदी में है एवरेस्ट वाली शिखर यात्रा, वो हिंदी भी है, उसमें वो जब ये चिंगरी पाल जा रही होती है ना, तो पहाड़ वहां का रास्ता जो है बहुत पतला था, वो डर रही तब डर रही है, तो लोग डर रहे थे कि यहाँ से गिरा ना जाए, कोई गिर ना जाए। तो वही है हिमालय और देखते देखते रास्ते वीरान सकरे, सकरे मतलब यस वीरान मतलब जब लोग नहीं दिखाई देते ना, अभी क्या जब तक ये लोग नेपाल के वहां तक थे तब तक तो नेपाल ही लोग दिख रहे थे, सब काम करते और हर चीज दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये लोग ऊपर जाने लगे तो वीरान रास्ता सूना सूना होने लगा, यानी कम लोग होने लगे, सकरे मतलब नैरो मतलब वो सकरा होने लगा, जलेबी की तरह घुमावदार, जलेबी तो पता है ना, हाँ तो सबसे उसको बोलते हैं, उसके लिए तो लोग मस्ती में बोलते हैं ना कि तुम तो बहुत सीधे हो जलेबी की तरह, ऐसा व्यंग करते है ना, तो उस तरह से होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा, घटाएं गहराती पाताल नापने लगे, घटाएं मतलब बादल जो है वो ऐसा लग रहा था जैसे गहराती पाताल नापने लगे, यानी नीचे वादियां चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच, भीमकाय मतलब भीम कौन है, महाभारत कौरव पांडव सुना है नहीं सुना, महाभारत में कौरव पांडव दो पक्षों में महाभारत का युद्ध हुआ था, एक कौरव पक्ष था दूसरा पांडव पक्ष था,
और पांडव के पांच भाई, जब उनका नाम क्यों पड़ा था, वो पांच भाई थे इसलिए उनको पांडव, वैसे तो उनके पिताजी का नाम पांडु था और ये पांच भाई थे तो इनको पांडव, पांडु के नाम से ही इनको पांडव कहा जाता था और ये पांच भाई थे। और जो दूसरे साइड से थे वो सौ भाई थे और उनमें सबसे बड़ा, छोड़ो इतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ ये जाना है पांडव का जो सेकेंड नंबर का बच्चा था यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। तो भीम, भीम मतलब क्यों उनका नाम, बहुत हैवी बॉडी थी उनकी इसलिए भीम सबके थे वो, तो भीम का मतलब बहुत भारी शक्ति, भीम का पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए, गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली, सघन मतलब खरी खरी हाँ, किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे, हिचकोले खाने मतलब ये लोग जीप से निकल रहे थे ना, हाँ तो उसी में के लिए कहा गया है कि ऐसा लग रहा था कि उस सघन हरियाली के बीच से हिचकोले खाने मतलब जैसे ऊंची ऊपर नीचे होती हुई वहां से हम लोग जा सकते हैं, यहाँ तक के लिए इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम, ये गाना सुना है हाँ? नहीं अभी अभी बोल रहा कि नहीं नहीं सुना, गाना नहीं सुनती हो, घर में कोई नहीं सुनता, तो पास ये गाना है सुहाना सफर और ये मौसम मस्ती, ऐसे में हम खो न जाए कहीं करके गाना है। तो यह वही है कि ऐसे में इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा, जब आप जैसे माहौल में आप जाते हो, अभी आप कहाँ जाओगे, अगर शादी पार्टी में गए हो तो आपको अपने आप गाने का, अगर गाना आता है तो लोग गाने भी लगते हैं, नहीं आता तो हाथ पैर तो फिर रखने ही लगते हैं, डांस अगर चल रहा है, मंदिर में जाओगे तो पूजा करने का वहां पर भक्ति भाव देखकर वो मन हो जाएगा, स्कूल में जाओगे तो वहां का वो देखकर पढ़ने का, जो नहीं पढ़ते उनको भी थोड़ा सा मन होगा पढ़ना चाहिए अच्छी चीज है। तो इस तरह से वहां का वो वातावरण देखकर मन पर प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, तब सब मस्त हो गए वहां का वो दृश्य देखकर और गाने लगे, क्या गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम, पर मैं मौन कौन मौन है देखिएगा, किसी ऋषि की तरह शांत थी, ऋषि मतलब जैसे ऋषि लोग बोलते रहिए शांत रहते, गुरु नहीं बेटा, गुरु तो कोई भी गुरु हो सकता है, ऋषि मतलब ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं ऐसा, तो उनकी तरह मैं शांत थी, मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर, परिदृश्य मतलब जो ये सारा दृश्य दिखाई दे रहा है वो उसको अपने अंदर भर, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था, जीप की खिड़की से मुड़की, यहाँ पर क्या है, जीप की खिड़की से मुड़की, मुड़की मतलब यहाँ पर सिर को, सिर सिर को लोग बहुत लोग, अब इसमें मुड़की लिखा है इतना थोड़ा अजीब सा वर्ड है ना, कोई नहीं समझ पाएगा, तो मुड़की निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, जलप्रपात मतलब झरना होता है हाँ, उसको जलप्रपात बोलते हैं, जल का गिरना जलप्रपात हाँ, तो जलप्रपात तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदनी की तरह कौन मारता बनी खनी तिस्ती तिस्ता नदी को, तिस्ता नदी आपको पता है तिस्ता नदी कहाँ, नेपाल के पास ही है ना तिस्ता नदी, तो वही लेखिका बता रही है कि वहां पर जो वो पत्थरों के बीच से, आपको अगर पता हो पता, तो जो हिमालय नदियां वहां से ज्यादातर निकली हैं, हिमालय से ज्यादातर नदियां निकली हैं, सारी गंदगी तो हमारे यहाँ पर इधर आकर हो जाती है, लेकिन हिमालय से निकलते समय बिल्कुल स्वच्छ जल ऐसा होता है कि उसमें एक छोटा सा पत्थर मतलब छोटा सा कुछ गिर जाए वो भी दिखता है, इतना क्लीन होता है वहां का वाटर। तो वही यहाँ पर है कि इठला इठला जाकर चांदी की तरह कौन मारती बनी खनी तिस्ता नदी को, मतलब ये लेखिका देखती है, सिलीगुड़ी से भी हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, सिलीगुड़ी का नाम सुना होगा, वहीं पर है सिलीगुड़ी, बहुत ही ठंडी जगह है, वहां पर लोग पर्यटक लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां पर वहीं से इनके साथ तिस्ता नदी मतलब ये वहीं से तिस्ता नदी को देख रही थी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था,
बड़ा कष्ट मतलब चरम पर, चरम मतलब सबसे अच्छा, चरम चरमोत्कर्ष मतलब सबसे ऊंचाई पर, सबसे अच्छी तरह से। वैसे तो तिस्ता नदी बहुत पहले से उनके साथ थी, लेकिन यहाँ पर उनकी सुंदरता जो थी वो बहुत ऊंचाई पर, हाई लेवल जिसको बोलते हैं कि पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी, मैं रोमांचित थी, पुलकित थी। रोमांचित मतलब बहुत ज्यादा एडवेंचर, हाँ, पुलकित मतलब बहुत ज्यादा खुश होता। चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी, मतलब वो उसी को एकदम फील कर रही थी, एकदम अपने आप को, जब इंसान किसी चीज में एकदम लीन हो जाता है तो अपने आप को हल्का फील करता है, लाइट फील करता है, तो हल्की। मेरे नगर, मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीव के जगह खूब ऊंचाई से, पूरे वेग से, वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी, शिखर से गिरता फेर उबलता झरना। उन्होंने क्या बोला कि जब मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए, मतलब मैंने हिमालय को देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि सबसे ऊपर के शिखर से भी, के भी शिखर से गिरता फेर उबलता झरना, मतलब वो काफी ऊंचाई से झरना, झरना मतलब झरने का पानी वो गिर रहा था। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। नाम क्या था? सेवन सिस्टर्स वाटर। बेटा ये जितने भी नाम है ना, वो प्रेयर में ये सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल ये सब याद करके रखना, शायद क्वेश्चन कुछ ऐसा इसके बारे में पूछ लिया जाए कि उन्होंने कहाँ पर देखा या उसको देखकर क्या महसूस किया, ये सब क्वेश्चन में आ सकता। लहर चमकने लगे, सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत का कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मतलब सभी सैलानी क्या करते, सब लोग पिक्चर लेने लगे। जब कोई अच्छी चीज लगती है तो सब कुछ भूल जाते हैं, सब पहले फोटो उसको देखेंगे कम, उसका वो मतलब महसूस कम करेंगे, उसको पिक्चर पहले उसकी लेंगे, उसको देखकर उसकी का एंजॉय नहीं करेंगे, पहले फोटो ले लो बाद में देखेंगे, अभी तुरंत का नहीं देखेंगे। तो इस तरह से सब वहां पर मशहूर, मतलब उसमें एकदम मस्त हो गए, लीन हो गए। यहाँ तक क्लियर ना? आदिम युग के किसी अभिशप्त, अभिशप्त का मतलब क्या है? अभिशप्त मतलब है शापित। आदिम युग के किसी अभिशप्त, आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी से मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा की संगीत सुनने लगी। लेखिका क्या बताती हैं कि जैसे किसी राजकुमारी को अभिशप्त मतलब शापित किया गया हो कि तुम बस वहीं बैठे रहो, तो उसका वो नहीं कर सकती हो, वहीं बैठकर सिर्फ देखो, राजकुमारी होगी तो उसको तो हर चीज की सुविधा मिलेगी, लेकिन वो जाकर उसका छू ना पाना या वहां पर हमेशा रह पाना ऐसा नहीं कर पाएगी, तो इसलिए ऐसा बोला गया कि अभिशप्त। राजकुमारी से मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगे, कि मतलब वो जो वहां का उसकी आवाज आ रही थी वो संगीत, और मैं अपने मन के संगीत, आत्मा मतलब मेरे अंदर जो उसको देखकर जो खुशी और वो आ रहा था उसको मैं सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही पहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। आपको पता है, आपने कभी ऐसे झरने के पानी में पैर डाला है कि कैसा फील होता है? लगता है जैसा पूरी बॉडी ही, मतलब डालोगे तो पैर पानी में, लेकिन लगता है जैसा पूरी बॉडी भीग गई, ऐसा मतलब महसूस होता है। तो लेखिका ने वही कहा है कि जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। भीतर तक मतलब पूरी अंदर से लगा कि जैसा पूरी शरीर मेरी भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, काव्य मतलब कविता को काव्य बोलते हैं ना, और काव्य कवि आ जाता है इंसान को, तो इंसान खुशी में होता है। अभी आपने वो पढ़ा था ना, अट नहीं रही है, उत्साह, ये सब कहाँ पर, सिर्फ प्रकृति पर सारे ज्यादा बने हुए है ना, तो वही यहाँ पर है कि काव्यमय हो उठा। इनका मन क्या था कि काव्यमय, मतलब उसमें संगीत गीत याद आने लगे, कविताएं याद आने लगी, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। इसमें क्या है? सत्य
और सौंदर्य को छूने लगा, मतलब सत्य क्या है वो, हाँ सत्य मतलब क्रूर क्या है वो छूने लगा। जीवन की अंत अनंतता का प्रतीक वह झरना, अनंतता मतलब जिसका अंत ना, अनंत मतलब खत्म होने वाला, अनंतता मतलब जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझसे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं विदेश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन रहने लगी। प्रियंका ने क्या कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं स्वयं विदेश और काल की सरहदों, सरहदों मतलब क्या होता था, सरहद मतलब सीमा, लोग बोलते हैं ना हमारे देश के सैनिक उस भारत और चीन के सरहद पर, या चीन और भारत और पाकिस्तान के सरहद, सरहद मतलब सीमा पर डटे हुए, तो सरहदों से दूर बहते बहती धारा बन बहने लगी। भीतर की सारी तामसिकताएं, तामसिकताएं मतलब क्या होता है बेटा, तमोगुण युक्त तामसिक और एक क्या होता है राजसी और तामसी ऐसा बोला जाता है, तो तामसिक और दुष्ट वासनाएं, तामसिक का मतलब होता है बेटा जो तमोगुण से युक्त, इसका मतलब समझ आ रहा है कि गंदे विचार, ठीक है, तो तामसिक उसका दूसरा एक शब्द और होता है सात्विक, सात्विक और तामसिक, सात्विक मतलब होता है जो सब हर चीजों से परे हो, मतलब स्वच्छ, जो स्वच्छ मतलब ऐसा साफ स्वच्छ नहीं, जिसके मन में विचार अच्छे हैं, सात्विक विचार मतलब अच्छे विचार, ठीक है। तो यहाँ पर लेखिका ने बताया कि तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं, मतलब दुष्ट जो बुरी इच्छाएं, वासना मतलब इच्छा, जो दुष्ट इच्छाएं थी वो सब हमारे अंदर से जाने लगी। इन निर्मम धारा में बह रही, मतलब इस निर्मम धारा में जो हमारे अंदर की गलत चीजें थी वो सारी बह रही। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं। लेखिका को क्या लगता है कि अनंत समय मतलब ऐसे ही पूरे समय तक मैं ऐसे ही बहती रहूं, मतलब यहाँ पर रहूं और मेरे अंदर की जो गंदगी है सब ऐसे निकल जाए। जैसे अभी आपको बोला जाए, मैं मतलब इसको समझाने के लिए बता रही हूँ कि आपको जहाँ पीस मिलती है, पीस कहाँ मिलती है, शांति कहाँ मिलती है। अब अभी तो आप बच्चे हो, आपके लिए तो खेलने में ही शांति मिलेगी, लेकिन जो एक उम्र के बाद जो है लोगों को शांति कहाँ मिलती है, भगवान का नाम लेने में, ईश्वर का, ईश्वर मतलब वो चाहे उनके अल्लाह है, चाहे उनके वो जो भी है, जिसके जो भी गॉड है, मतलब सबकी बात है कि उनको वही शांति मिलती है ना। बौद्ध धर्म अपना, जैन धर्म अपना, ये पंजाबी का अपना, जो मतलब सबका अपना अपना धर्म है, तो उनको वहीं पर पीस मिलती है, वहीं पर शांति मिलती है। तो यहाँ पर इस पेज पर ही थी ना, हाँ सुनती रहूं इन झरनों की पुकार को, पर जितेंद्र मुझे खेलने लगा, खेलने मतलब पुश करने लगा, धक्का देने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारा मिलेगा, नजारे मिलेंगे। जितेंद्र ने क्या बोला, पुश किया कि आगे चलो अभी और भी अच्छा देखने को मिलेगा, जैसा लोग बोलते हैं ना, अरे यहाँ सो गया, आगे चलो अभी और अच्छा मिलेगा, तो उस तरह से जितेंद्र ने इसको धक्का खेलना मतलब धक्का देना शुरू किया। अनमनी से मैं उठी, अनमनी मतलब बिना मन से, अनमन मतलब बिना मन, बिना मन से मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले, थोड़ी देर बाद फिर वही नजारे, वैसे ही दृश्य फिर दिखाई दिए, कैसे, जो कि आंखों को और आत्मा को सुख और शांति दे रहे थे। कहीं चटक हरे रंग का मोटा काले ओढ़े, तो कहीं हल्का पीला पल लिए, तो कहीं पलस्तर खुड़ी दीवार की तरह पतलीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी। मतलब क्या, ये ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे थे, जैसे ये हो रहा है, जैसे ये हो रहा है, जैसे ये हो रहा है, ऐसे ऐसे दृश्य हमको दिखाई दे रहे थे। सब पर बादलों की एक ही मोटी चादर, सब कुछ बादल है, मतलब सब पर बादल में छुपा, हाँ सब कुछ बादलों में छिपा हुआ था, सब कुछ बादल में है, बादल जैसा है, मतलब बादल में हो गया, मतलब बादल ही हो गया था, वो सारी चीजों से छुप गई, पूरा चारों तरफ से बादल गया था, बादल से
हो सकता है, बादल में होना मतलब बादल से पूरा होना। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही हूँ। भर भर आंखों मतलब पूरी तरह से उसको देख रही हूँ। जैसे एक होता है कि कैमरे में कैद करना कोई चीज पिक्चर लेना, एक होता है इंसान अपनी आंखों में कैद करता है। वो आंखों में कैद करके जब भी वो वहां के बारे में सोचेगा तो वो पूरा उसके सामने आ जाए। तो यहाँ लेखिका बता रही है कि मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही हूँ, तब उसको अच्छे से देख रही हूँ। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन राष्ट्र का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। सयाना मतलब क्या होगा, समझदार या चालाक या चतुर। एक सयाना का मतलब होता है बड़ा, वो लड़का सयाना। एक तो सयाना मतलब चालाक या चतुर होता है, एक सयाना मतलब बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सयाना मतलब समझदार चालाक चतुर से है। मैं बनाने के लिए रहस्य का उद्घाटन करने पर धीरे धीरे उनकी चादर थोड़ी छपी, तो मतलब जो बादल छाया हुआ था वो थोड़ा सा कम हुआ था। की बादल चादर थोड़ी छटी मतलब छटना मतलब कम हुआ, कम हो गई। अब वहां पहाड़ तो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने। श्रेष्ठतम मतलब अच्छे रूप में, श्रेष्ठ का मतलब होता है अच्छा होना, बहुत अच्छा होना, तो उस अच्छे रूप में मेरे सामने। जीव थोड़ी देर के लिए रुकवा नहीं गई, तब ये लोग कहां जीव से घूमते हुए गए थे। और लेखिका अकेली नहीं थी, लेखिका के साथ वो ड्राइवर कम गाइड तो था ही, उसके साथ उनकी एक दोस्त भी थी और लोग भी थे, कुछ और लोग भी थे। मैंने गर्दन घुमाई सा हो जैसे जन्नत बिखरी पड़ी। जन्नत का मतलब हाँ स्वर्ग, उसको हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ स्वर्ग फैला पड़ा था। नजरों के छोर तक खूबसूरती, नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, जहां तक नजर यानी निगाह जा रही थी वहां के किनारे तक पूरी चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत छरने फूलों घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रेन, क्या लिखा था थिंक ग्रेन, वहां पर ऐसा सब कुछ था। और इसके बाद लास्ट लिखा था मतलब लिखा हुआ था आश्चर्य पत्थर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। देविका क्या बताती थी, आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में मतलब थोड़े ही देर में कितनी चीजें वहां पर घटित हो रही थी, मतलब कितनी चीजें वहां पर हो रही थी, जैसे बादल घिरना फिर बादल हटना फिर वहां का दृश्य, तो ये सारी चीजें उनको वहां पर दिखाई दे रही। सतत प्रवाह पर सतत प्रवाह मान छे नीचे वेग से बहती दिशा है। सतत प्रवाह मतलब सतत मतलब रंग लगातार है ना, प्रवाह मतलब बहना। ठीक है, सतत मतलब लगातार बहते छड़ रहे, प्रवाह मतलब हमेशा गिरने वाले, प्रवाह मतलब निरंतर चलने वाले। ठीक है, तो निरंतर चलने वाले छड़ने मतलब गिरने वाले छड़ने नीचे वेग से बहती बहती तिस्ता नदी। और नीचे जो है छड़ने कहाँ गिरते हैं, छड़ने तो ऊपर से गिरते हैं और नदी कहाँ होती है, नीचे होती है, तो वही है कि बहती तिस्ता नदी। सामने उसकी और सामने से जो धुंध मतलब वैसा बादल सा आ रहा था वो ऊपर मंडराते आवारा बादल, और ऊपर जो बादल है वो आवारा क्यों बोला गया, कभी इधर है कभी उधर है कभी उधर है, इससे उसको आवारा बादल बोला गया। आवारा मतलब लड़कों को बोलते ना, अरे तो आवारा हो गया, कभी यहाँ घूमता कभी वहां, तो यहाँ पर बादल को आवारा कभी बादल यहाँ फिरा कभी वहां, इससे उसको ऐसा हो गया। मध्यम मतलब धीरे धीरे मध्यम मध्यम हवा में हिलोड़े हिलेंगे प्रियता और रूडोडेंड्रो के फूल। ये सब बेटा नाम जो कि अपने को नहीं आइडिया है वो फूल कौन से है, शायद देखा भी होगा तो दूसरे नाम से जानते होंगे। कभी 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 क्या होता है कि सेम चीज हम लोग भी जानते हैं दूसरे लोग भी जानते हैं लेकिन वो अलग अलग नाम से जानते हैं। तो के फूल
सब अपनी अपनी लय ताल और प्रवाह में बहते रहे, चरैवेति चरैवेति, चरैवेति मतलब चलते रहो चलते रहो, चरैवेति चरैवेति मतलब ये क्वेश्चन में भी है, ये तो क्वेश्चन है उसमें है चरैवेति चरैवेति को बाद में आपको लिखना चाहिए, चरैवेति चरैवेति और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके साथ बढ़ता हमारा वजन। और लेखिका ने क्या कहा कि इस तरह से जो ये सब हो रहा है चरैवेति चरैवेति मतलब चलते रहो ये सब, और समय की इसी सतत प्रवाह मतलब समय के इसी प्रवाह में जैसा समय समय तो निकलता है ना, तो समय का भी प्रवाह है वो भी निकल रहा है प्रवाह में तिनके साथ बढ़ता हमारा वजन। अब इस समय के इस प्रवाह में तिनके की तरह हमारा जो वजूद है, वजूद मतलब अस्तित्व, हमारा अस्तित्व भी समय के अनुसार धीरे धीरे बह रहा है। यहाँ तक क्लियर? हाँ। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य। लेखिका ने क्या बोला कि पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि जो ये सौंदर्य, अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा सुंदर क्या होता है? पहाड़? नहीं, पहाड़ प्रकृति सबसे सुंदर होती है ना, नेचर 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 में, नेचर में आप देखोगे पेड़ अगर एक ढंग से बैठ के देखो बेटा ना कितना अच्छा लगता है, मतलब कभी कभी ना तो दिमाग ऐसा घूमने लगता है, जैसे आप इस तितली को बटरफ्लाई को देखते हो, बटरफ्लाई को देखो और उसके कलर को देखो तो लगता है भगवान ने कैसे इनको ऐसा रंग किया, वैसा तो आप पिक्चर ड्रॉ करते तो भी नहीं बनता, जबकि आप इंसान हो हर कलर आपको पता है किसके साथ मिलाकर कौन सा क्या कैसे फिर भी नहीं बनता, लेकिन नेचर ने कैसा क्या क्या दिया, इतने फ्रूट्स हैं इतने, अब कितनी चीजें हमें नेचर से प्राप्त है, पेड़ पौधों को देखो, बादल को देखो, झरनों को देखो, आप अगर कहीं वाटरफॉल देखा होगा आपने तो देखो तो लगता बस देखते ही बैठेगा, तो सबसे सुंदर क्या है प्रकृति है ना। तो आज का टाइम अपना हो गया बेटा, यहाँ पर टिक लगा लो, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसको, हो जाएगा ना नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? चलो इसके आगे करेंगे, तो आज आपको होमवर्क नहीं मिला, चलो ओके एंजॉय करो, अच्छे मार्क्स आए हैं। मम्मा ने कुछ दिया कॉफी चॉकलेट या बस बोल के रख दिया? फिर शाम को पार्टी लेना, अच्छे मार्क्स आए आपके।